होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर के 4:15 बज रहे हैं और दिनी सो रहा है, दीपक कंप्यूटर पर लगा है। आपने पहली वीडियो में देखा होगा इन दोनों को छुट्टी है क्योंकि यहाँ पर 2 दिन का लॉकडाउन लगा है, स्कूल कॉलेज बंद है और दिन भर बहुत मस्ती की है इन्होंने। पहली वीडियो में देखा होगा आपने, दिनेश तो दिन भर नाश्ता ही रहता है और वो क्यूब का पता नहीं उसे क्या पागलपन सवार हो गया है, इतना उसके कलर जोड़ने में लग जाता है, बिगाड़ देता है फिर जोड़ता है, तब तक जब तक उसे बोर ना हो जाए, बिल्कुल छोड़ नहीं रहे, वहीं पर जगह पर ही सो जा रहा है उसे देख देख के। जब मैं हाथ से लेती हूँ तब भी नहीं दे रहा है, तो ज़बरदस्ती से हाथ से छीन कर रख दिया है मैंने बाजू में, तो वहीं सो गया है। और ये देखिए मेरे कैसे काम होते हैं, दाल में मिर्च पाउडर डाल रही थी नीचे फैल गया, तो कुछ हड़बड़ी से बनाओ ना तो ऐसा ही हो जाता है, काम जितने तसली से करो उतने अच्छे होते हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो हमारा नुकसान है उसमें। अब तक दीपक कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था, अभी होमवर्क कर ले रहा है और दिनेश की तो नींद पूरी होती ही नहीं है, वो तो सो रहा है, उसे कितनी बार जगाया मैंने बिल्कुल सुन नहीं रहा है। जब नींद से जगता है तो हाथ में क्यूब ही नज़र आता है, बिल्कुल छोड़ नहीं रहे, पता नहीं उसे क्या पागलपन सवार हो गया है क्यूब का। तो दाल में इमली का पल्प, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक ये सब मिलाकर मिक्स कर लिया है, इधर प्याज लहसुन सब काटा पेटी कर ली है, तो दाल को तड़का लगा लेते हैं। अब शाम के टाइम ही हो जाएगी ये दाल, दोपहर का लंच तो हो चुका है हमारा, फिर दिनेश और दीपक अब रात में दाल चावल ही खा लेंगे, भजी भी रखी हुई है मगर खाएंगे नहीं अभी, क्योंकि दोपहर में भी सुबह भी भजी और रोटी खा ली, और ज़्यादा भजी खाने से ना डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द करने लगता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं पाती है, उसमें छोले और क्या बेसन रहता है तो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए बच्चों को नहीं दूंगी अब मैं, रात में दाल चावल ही खा लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल में राई जीरा डाल दिया है, राई जीरा चटकने के बाद लहसुन डाल दिया है, लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद डाली प्याज, प्याज को थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, फिर बाद में डाला है कटा हरा धनिया, अगर करी पत्ते होते ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता, नहीं है, हरा धनिया डाल दिया है, फिर बाद में सारे मसाले अच्छे से भूनने के बाद मिलाई हुई दाल डाल दी है, बस दाल बन चुकी है, बाद में डाला है थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा सा सुहाना मसाला डाला है, अच्छे से मिक्स करके इसमें एक उबाल आने देते हैं, तब तक मैं यहाँ पर चावल भी बना लेती हूँ। अब शाम के 5 बज रहे हैं और ये देखिए किस टाइम का मैं खाना बना ले रही हूँ, डेली क्या होता है सुबह और दोपहर में कुछ ना कुछ गर्मा गर्म बना लेती हूँ, मगर जब बच्चे घर पर है ना तब कोई टाइम ना टेबल कभी भी कुछ भी बनाती रहती हूँ। देखिए अब शाम के 5 बजे में दाल और चावल बना ले रही हूँ, तो ऐसा ही होता है, तसली से काम होते हैं जब बच्चे घर पर रहते हैं, कोई टाइम ना कोई टेबल कुछ नहीं। तो दाल बन चुकी है, चावल भी रख दिए हैं, दीपक नीचे बैठ के होमवर्क कर ले रहा है और दिनेश देखिए यहाँ पर आकर सो रहा है, फिर से वहाँ से उठाया, बेड पर सो रहा था वहाँ से उठाया, फिर आकर यहाँ पर सो गया है सोफे के ऊपर और मोबाइल देख रहा है, शायद मोबाइल में भी वही देख रहा है, क्यूब कैसे मतलब उसके कलर कैसे जोड़ते हैं, मोबाइल में भी वही देख रहा है और वहीं पर सो रहा है। स्कूल होता तो अच्छा होता है, जब स्कूल होता है ना तो बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं अपना, और दोस्तों से कुछ बातें भी हो जाती है तो दिन चला जाता है, घर में ऐसे काम हो जाते। दीपक ने उसके पास में से मोबाइल ले लिया है तो वही देख रहा था और बोल रहा था मम्मी देखो इसमें भी एक क्यूब का ही देख रहा है, तो दिनेश घर में रहता है तो कुछ ऐसे ही काम इसके हो रहे। तो यहाँ पर बन रही मेरी शाम वाली चाय, दाल चावल बनाकर रख दिए है, चाय बना ले रही हूँ और ये भी आ चुके तो हम दोनों के लिए चाय बन चुके है। सुबह के टाइम काली चाय पी लेते हैं, शाम के टाइम दूध वाली चाय पी लेते हैं, तो हमने चाय पी ली है और दिनेश का ध्यान भटकाने के लिए ये पतंग लाने के लिए बोला था मैंने, तो पतंग ले आया है, ये बिल्कुल क्यूब नहीं छोड़ रहा है, इसी वजह से मैंने ये पतंग मंगवाया है, थोड़ी देर पतंग खेलेगा, थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा भी, पतंग जब उड़ेगा तो ये भागेगा भी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसे और थोड़ी सी कसरत भी हो जाएगी, बिल्कुल बैठे बैठे वहीं पर सो जा रहा है वो क्यूब लेके। तो ये नया पतंग ले आने के बाद इसके अंदर धागे तो रहते नहीं है, तो अगरबत्ती लेकर इसको थोड़ा सा जला दिया, इसको होल बना दिया है, फिर उसके बीच में धागा डाल के उसे पतंग उड़ने के लायक बना दे रहा है, तो उसके दोस्त भी आए हुए हैं, तो ये दोनों तीनों मिलके पतंग तैयार करके फिर थोड़ी देर पतंग खेलने जाएगा। ये दिनेश गए पतंग उड़ाने, जब तक वो भागम भाग करके आ जाएगा उसे भूख भी लग जाएगी, तब तक मैं यहाँ पर भेड़ बनाकर रख देती हूँ, तो ये चटपटा तो मैंने पहले ही बनाकर रखा हुआ है, बस इसमें इस तरह से टमाटर प्याज हरा धनिया ये सब एकदम बारीक काट के डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी,
और बहुत टेस्टी लगती है भैया इस तरह से। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर दो प्लेटों में मैं लगा दे रही हूँ दीपक के लिए और दिनेश के लिए। मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, ये आने के बाद इनके साथ ही खा लूंगी। दीपक और दिनेश के लिए प्लेट लग चुकी है और जो बचे हुए इसे ढककर रख देंगे। तो ये आ चुका है, ये देखिए आने के बाद फिर से इसने क्यूब ले लिया। और बाहर एकदम अंधेरा सा छा गया है, 6:15 बजते हो गए, बहुत जल्दी से दिन ढलता है इन दिनों। और इधर वाली लाइट भी बंद है, क्या हो रहा है ना सामने से कीड़े आ रहे हैं, इसी वजह से लाइट बंद कर दी है। यहाँ पर खुला है ना, हर तरफ खेती खेत है तो कीड़े आ जाते हैं शाम के टाइम, तो लाइट में सारी लाइट बंद कर देती हूँ, एक ही लाइट चालू रहती है कीड़ों की वजह से। और दिनेश शाम के टाइम भी नीचे पता नहीं दीपक क्या कर रहा था, उसे ही देख रहा था। फिर आकर यहाँ पर कंप्यूटर पर लगा हुआ है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मेरा मुंह फूला हुआ है, ठंड की वजह से ऐसा होता है डेली मुझे, फिर दोपहर होते होते धूप जैसे आने लगती है तो नॉर्मल हो जाता है। अब सुबह के 6 बज रहे और बाहर अभी तक देखिए अंधेरा अंधेरा सा है, अभी दिन सही से निकला नहीं है। और मैं 4:30 बजे से लगी हूँ, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, बाहर पानी छिड़क दिया है, अभी फूल तो ले आए हैं। आज इतना जल्दी उठी मैं क्यों, क्योंकि आज दिन संडे का है, इनकी रविवार है और ये रविवार पौष महीने का पहला रविवार है। आज के दिन सूर्य सत्यनारायण की पूजा होती है, जो सुबह बहुत जल्दी है, सूर्य उदय होने से पहले ही पूजा होनी है। और थोड़ा सा लेट ही हो गया मुझे, अब 6 बज रहे और पूजा होते होते टाइम हो ही जाएगा, सूर्य देवता प्रकट हो जाएंगे। और सुबह सुबह बारिश होने लगी थी, कल भी बारिश हो रही थी, आज भी हो रही है। नहाने से पहले झाड़ू पोछा हो चुकी है, नहाने के बाद मंदिर की भी देखिए क्लीनिंग कर ली है अच्छे से। और यहाँ पर सारे पीतल के भगवान यहाँ पर रख दिए हैं, पीता पर लगाकर घिस घिस के चमका दूंगी। और देखो दिनेश भी अभी भी जग चुके हैं और ये तो पागल हो गया पूरा, इसके अंदर इसके कलर, बस इसको कोई काम नहीं है, कलर जोड़ने में लगा होता है। रात में देखो, शाम में देखो, अब कब भी देखो इसे, सुबह शाम यही काम चलते रहते हैं, एक क्यों के बस कलर जोड़ने में लगा हुआ है। उसे जोड़ देता है फिर बिगाड़ देता है, जोड़ देता है फिर बिगाड़ देता है, वही काम चलती है। तो चलिए ये सारे भगवान घिस लेते हैं, पहले नित्य पूजा होगी फिर सूर्य सत्यनारायण की पूजा होगी। पहले तो फूल तोड़ के ले आई हूँ और रंगोली भी बना दी है, अभी अभी सुबह के टाइम फूल दिख नहीं रहा था, अंधेरा सा था बाहर, तो अभी भी रंगोली बना दी है। पीतल के भगवान को पीतांबरी लगाकर पहले घीस लेती हूँ फिर नहला देती हूँ। 8 दिन में एक बार पीतांबरी लगाकर घीसना जरूरी है, नहीं तो हरे हरे से दिखने लगते हैं। नित्य पूजा हो चुकी है, रंगोली भी बना दी है, दिया लगा लेते हैं, अगरबत्ती लगा लेते हैं, धूप खत्म हो गई है तो अगरबत्ती लगा लेती हूँ आज। नित्य पूजा करके तुलसा जी में जल चढ़ाकर आ जाती हूँ, फिर सूर्य भगवान की पूजा कर लेते हैं। तुलसा जी में जल चढ़ाकर मैं आ चुकी हूँ, अब कर लेते हैं सूर्य सत्यनारायण की पूजा। तो चौकी के ऊपर पहले गन से हम सूर्य और चंद्र बना देंगे, फिर गंगा गौरी बना देंगे, कुमकुम हल्दी ने लगा कर फिर हम पूजा स्टार्ट कर लेंगे। और ये पूजा बहुत जल्दी से करते हैं, जैसे 7 बजे से पहले पूजा होनी चाहिए, जैसे ही सूरज भगवान आ जाते तो पहली किरणें पूजा के ऊपर पड़ती है। बहुत सारे लोग पहले तो बाहर करते थे पूजा, मगर यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है, बाहर दिए नहीं रह पाएंगे, इसी वजह से मैं
चौकी के ऊपर चावल डाल दिए हैं। चावल के ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। आम के पत्ते लगाकर इस तरह से कलश स्थापना करेंगे। नारियल ना रख के मैंने चावल की कटोरी रख दी है, उसके अंदर चावल के अंदर रख दिए हैं लड्डू गोपाल और सत्यनारायण की फ़ोटो भी रख दी है। वस्त्रमालाएँ डाल दी है, जैसे रूई की वस्त्रमाला है। और पूजा में यहाँ पर क्या लगता है देखिए, हरे चने, गेहूँ, जो भी हरा हरा है इस वक्त खेतों में है वो सब पूजा में रखता है लगता है। और सामने में ही सब पूजा का सामान रख दे रही हूँ, जैसे छुआरे, हल्दी की गांठ, बादाम, सुपारी। सुपारी तो बहुत ज़रूरी है पूजा में, तो ये सब मैंने सामने रख दिए हैं। और ये जो जो हरा यहाँ पर मिला है खेतों में वही सब यहाँ पर रख दिया है पूजा में। और गाजर, मटर, बेर, ऐसा ये सब पूजा में लगता है। मैं गन, चंदन, कुमकुम सब लगा लेती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ। पूजा कर ली है, दिए लगा लिए हैं, अब आरती कर लेते हैं। दीपक दिनेश ने अभी नहाया नहीं है, अगर वो नहाते तो मेरे साथ आरती कर लेते, मगर संडे के दिन वो नहाते नहीं है जल्दी, तो पहले तो मैंने आरती कर ली, फिर बाद में ये कपूर लगा लिया है, क्योंकि सुबह के 8:30 बज रहे हैं। पूजा मेरी हो चुकी है, नित्य पूजा हो चुकी है, सूर्य भगवान की पूजा हो चुकी है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए सत्यनारायण भगवान का। और अभी दीपक दिनेश ने नहाया नहीं है, दीपक की पढ़ाई चल रही है और दिनी जैसे भी घूम रहा है, अभी नहाया नहीं इसने। आप जैसे दिनेश नहाकर आ चुका है, आरती कर ले रहा है, दीपक भी नहा रहा है, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ, ये भी आ जाएंगे। तो आज नाश्ते में पोहे बना लेती हूँ, पोहे जल्दी से भी बन जाते हैं, तो पोहे बना लेती हूँ, दिनेश को प्रसाद दे देती हूँ। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।